किस हिसाब से वास्तु दोष वगैरह? ये विधानसभा की जो निर्माण है उसमें कुछ खामियां हैं और उसके कारण जो इसके जो वास्तु दोष हैं वो ठीक होने चाहिए और इसी पर ये चर्चा चल रही है आजकल। क्यों तो वास्तु दोष अगर ठीक होंगे तो जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको स्वास्थ्य उनकी संख्या है जो वो ठीक ढंग से डील हो सकेगी। नहीं तो वास्तु जब तक दोष रहते हैं, जैसे एक भवन के अंदर एक मकान के अंदर वास्तु दोष रहते हैं तो मकान में रहने वाले लोगों के लिए समस्या होती है, उसी तरह से जब विधानसभा में वास्तु दोष है तो उसमें जो सदस्यगण हैं जो राजस्थान का भाग्य निर्माण करते हैं, जो हमारे लिए नियम बनाते हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके तनाव या उनके जो अगर समस्या उनके अपने कारणों से आ रही है तो उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी इस कारण से ही हो जाती है। तो हम अभी देखते हैं कि भाई लगातार जो हमारे विधानसभा के अंदर सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होती है तो इसके ऊपर ये चर्चा आजकल उस पर है। क्या दोष लगता है सर? नहीं, दोष इसमें कई तरह के दोष हैं, जैसे साउथ बिल्कुल खाली पड़ा है, ईस्ट के अंदर इतना बड़ा गेट बना दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शमशान है, ईस्ट से एंट्री नहीं है, वेस्ट से एंट्री है, तो ऐसे बहुत सारे दोष हैं। और ब्रह्मस्थान जो है पूरा खाली है, मतलब ब्रह्मस्थान के अंदर पूरे जहाँ पर बिल्कुल खाली और एक बहुत हल्का होना चाहिए उसकी जगह, यहाँ पर ब्रह्मस्थान ही वो जगह है जहाँ पर ये सारा विधानसभा का कार्यवाही चलती है। तो इस वजह से जो नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं वो इसमें बैठने वाले इससे जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं तनावग्रस्त करती है और उनके स्वास्थ्य को या उनकी समस्याओं को बढ़ा देती है अगर पहले से है तो। इसमें क्या उपाय है जिस आपने बताया? पीछे निर्माण किया जाना चाहिए और शमशान बंद होना चाहिए, ईस्ट से एंट्री होनी चाहिए, यही सब बातें। जो घटनाक्रम कुछ भी होता है, जो भी विधायक जैसे पूरे 200 नहीं बैठ पाते हैं, तो क्या इसका मेन कारण? मेन कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट इसका भी जोड़ सकते हैं, आपकी वास्तु के कारण भी। अपन कहते हैं कि मकान जब बनाते हैं तो उसके अंदर आपका मेरा सब लोग आज वास्तु से संबंधित मकान बनाते हैं तो उसमें कहते हैं भी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है या कोई बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे, तो पढ़ाई तो बच्चों को करनी है लेकिन तो जो एनवायरमेंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो उस घर की जो जो ऊर्जा है वो उनको अगर सपोर्ट करे तो 1-2% वो थोड़ा बेटर कर पाएंगे। इसीलिए अपन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट साफ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट बच्चे बैठ के पढ़ें तो ज़्यादा उनको अच्छी स्थिति मिलेगी। वही हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति हमारे विधानसभा के सदस्यों को मिलती है तो उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन और बेहतर हो पाएगा, तो वही हमारे प्रदेश के लिए बेहतर है। हालांकि कोई इसे कह सकता है कि भाई ये जो है पुरातन पंथी की बात अपन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आज वास्तु के अकॉर्डिंग अमेरिका के राष्ट्रपति का भी घर बन रहा है, पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान है ये कहीं ना कहीं जीवन को बेहतर करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। हम इस बात कर रहे हैं, क्या लगता है सर एंट्री गेट से रिलेटेड भी कोई इसमें पता है ना? वो तो अपन कहते हैं सामान्य तौर पर पूर्व की तरफ देखता हूँ या पश्चिम की तरफ देखता हुआ, ऐसे ही वो उत्तर की तरफ का जो गेट है वो ज्यादा बड़ा हो गया, दक्षिण बिल्कुल खाली है, तो ये सारी बात है। पूर्व की साइड में अगर एंट्री होती है तो ज्यादा बेटर मानी जाती है।